फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दिनेश कुमार आप सभी लोगों का फिजिक्स हाईवे चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। यह एक ऐसा चैनल है जो सभी स्टूडेंट्स को फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करता है। तो डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में भी इस चैनल को शेयर करें जिससे वे लोग भी इससे लाभ ले सकें। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे BSc मैथ सेमेस्टर सिस्टम बेस्ड फिजिक्स के थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में, और यहाँ पर हम डिटेल सिलेबस डिस्कस करेंगे। और यह सिलेबस जो है कि नया सिलेबस है जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बेसिस पर बना हुआ है। और ये जो BSc कोर्स है यह चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम कोर्स है, तो इसलिए इस सिलेबस को हम लोग चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम या फिर CBCS सिस्टम भी कहा जाता है, सिलेबस सिस्टम कहा जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, इस सेमेस्टर में हमें फिजिक्स के दो पेपर्स के एग्जाम होंगे, एक जो है कि थ्योरेटिकल पेपर होगा और दूसरा जो होगा वो प्रैक्टिकल पेपर होगा। थ्योरेटिकल पेपर जो है वह जो है कि 4 क्रेडिट्स का है और प्रैक्टिकल पेपर जो होगा वो 2 क्रेडिट्स का होगा। तो आइए देखते हैं डिटेल में कि जो दोनों पेपर्स हैं वे दोनों पेपर्स का डिटेल सिलेबस क्या है। सेमेस्टर 3 थ्योरेटिकल पेपर, थ्योरी पेपर, कोर्स कोड है इसका PHY201, टाइटल है इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी एंड ऑप्टिक्स। तो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी और ऑप्टिक्स दो पार्ट्स हैं इसके। पार्ट ए में होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी एंड पार्ट बी में होगा ऑप्टिक्स। यह जो है कि 4 क्रेडिट का प्योरली थियोरेटिकल पेपर है। तो आइए देखते हैं पार्ट ए में क्या पढ़ना है। पार्ट ए और पार्ट बी, पार्ट ए में जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी है इसमें भी 4 यूनिट्स हैं, और ऑप्टिक्स जो पार्ट बी है इसमें भी टोटल 4 यूनिट्स हैं। तो पार्ट ए का जो फर्स्ट यूनिट है ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसमें हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड चार्ज डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, जनरल एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, डाइवर्जेंस एंड कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें डाइवर्जेंस एंड कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी पढ़ने हैं, जिसमें हमें जनरल एक्सप्रेशन निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड का वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में। नेक्स्ट है जनरल एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन निकालना है, इसके पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकालना था, एंड गॉस लॉ एप्लीकेशन इंक्लूडेड, गॉस लॉ पढ़ना है, गॉस लॉ का जो है इसमें एप्लीकेशन भी पढ़ने हैं। नेक्स्ट जो है स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड इन मैटर, पोलराइजेशन, ऑक्सिलरी फील्ड डी जिसको हम इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं ये पढ़ना है, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी एंड परमिटिविटी पढ़ना है। अब आइए यूनिट 2 में क्या पढ़ना है ये देखते हैं। यूनिट 2 में पढ़ है इसका जो बेसिक टाइटल है ये है मैग्नेटोस्टैटिक्स, इसके पहले वाले में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था और इसमें है मैग्नेटोस्टैटिक्स। तो इसमें हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक करेंट एंड करेंट डेंसिटी, मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू करेंट एलिमेंट्स, जनरल एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम करेंट डेंसिटी, और इसमें जो है कि डाइवर्जेंस एंड कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देखना है। तो इसके पहले वाले से यहाँ पर है डाइवर्जेंस एंड कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पर डाइवर्जेंस एंड कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो 4 इक्वेशंस बनते हैं यहाँ से, ये मिलकर के हमारे मैक्सवेल्स के 4 इक्वेशंस बनते हैं जो हमें आगे पढ़ना है।
यह है जनरल एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम करंट डेंसिटी एंड एम्पियर सर्कुलर लॉ विथ एप्लीकेशन, ये पढ़ना है। स्टडी ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल, इसमें पढ़ना है गिल्बर्ट एंड एम्पियर मॉडल। नेक्स्ट इसी में पढ़ना है मैग्नेटिक फील्ड इन मैटर, मैग्नेटाइजेशन ऑफ द रे फील्ड एच, मैग्नेटिक सबसेप्टिबिलिटी एंड परमिटिबिलिटी, सबसेप्टिबिलिटी और परमिटिबिलिटी दोनों इसमें मैग्नेटिक का पढ़ना है। अब आते हैं पार्ट ए के थर्ड यूनिट में, क्या पढ़ना है। थर्ड यूनिट है टाइम वेरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इसमें पढ़ना है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड लेंज लॉ, डिस्प्लेसमेंट करेंट, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एंड मैक्सवेल एम्पियर्स सर्कुलर लॉ, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन विथ एप्लीकेशन एंड डेरिवेशन एंड फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्सवेल्स इक्वेशन। तो यूनिट वन और यूनिट टू से जो इक्वेशंस मिलते हैं डाइवर्जेंस और कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, वही मिल करके फोर मैक्सवेल्स इक्वेशंस बनते हैं। तो उनका डेरिवेशन पढ़ना है और उसके फिजिकल सिग्निफिकेंस पढ़ना। तो इसमें पढ़ना है थ्योरी एंड वर्किंग ऑफ मूविंग क्वायर बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर विथ एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस के साथ जो है कि बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर का थियरी एंड वर्किंग पढ़ना। नेक्स्ट यूनिट में आते हैं, नेक्स्ट यूनिट यानी फोर्थ यूनिट में है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसमें क्या पढ़ना है। इसमें पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी एंड पॉइंटिंग वेक्टर, प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन लीनियर डाइलेक्ट्रिक्स, होमोजीनियस एंड इनहोमोजीनियस प्लेन वेव्स एंड डिस्पर्सिव एंड नॉन डिस्पर्सिव मीडियम, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ होमोजीनियस प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन स्नेल्स लॉ, फ्रेजनल्स फार्मूले ओनली नॉर्मल इंसिडेंट एंड ऑप्टिकल फ्रिक्वेंसी, ऑप्टिकल फ्रिक्वेंसी और नॉर्मल इंसिडेंस के लिए फ्रेजनल्स फार्मूला पढ़ना है, स्टोक्स लॉ भी पढ़ना है इसमें लास्ट में। ये है पार्ट्स ए का होल सिलेबस। अब आते हैं पार्ट्स बी यानी ऑप्टिक्स में क्या हमें पढ़ना है। तो पार्ट्स बी यूनिट फर्स्ट में है इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस में पढ़ना है कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस का क्या कंडीशंस होता है, किन कंडीशंस में इंटरफेरेंस बनते ये पढ़ना है, एंड स्पेशियल एंड टेम्पोरल कोहेरेंस, स्पेशियल और टेम्पोरल कोहेरेंस क्या होता है ये पढ़ना है। इसके बाद जो है कि डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट यानी इंटरफेरेंस ड्यू टू डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट में हमें पढ़ना है फ्रेजनेस बाय प्रिज्म एंड लाइट्स मिरर, फिर इंटरफेरेंस ड्यू टू डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड्स में हमें पढ़ना है पैरेलल थिन फिल्म, वेज शेप्ड फिल्म एंड न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट, ये पढ़ना है। फिर इंटरफेरोमीटर में माइकलसन एंड फेब्री पेरोट इंटरफेरोमीटर पढ़ने हैं। अब आते हैं देखते हैं यूनिट टू में क्या पढ़ना है। यूनिट टू है डिफ्रैक्शन, इसमें हमें पढ़ना है डिस्टिंक्शन बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में क्या अंतर ये पढ़ना है। आगे इसी में फ्रेजनल्स एंड फ्राउनहोफर क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन ये पढ़ना है, फ्रेजनल्स हाफ पीरियड जोन एंड जोन प्लेट, आगे जो है फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन एट ए सिंगल स्लिट, यन स्लिट्स एंड डिफ्रैक्टिंग ग्रेटिंग। तो फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन सिंगल स्लिट से पढ़ना है, यन स्लिट से पढ़ना है और डिफ्रैक्टिंग ग्रेटिंग पढ़ना है इसे। रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इसमें पढ़ना है हमें, वर्ड पढ़ना है इसमें कि
क्राइटेरिया क्या आता है, रिले क्राइटेरिया फॉर रिजॉल्विंग स्पेक्ट्रल लाइंस एंड रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप्स एंड ग्रेटिंग, तीन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के रिजॉल्विंग पावर करने हैं जो कि हैं टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप्स एंड ग्रेटिंग। आते हैं थर्ड यूनिट्स में देखते हैं। थर्ड यूनिट है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन बाय डाइक्रोनिक क्रिस्टल्स, डाइक्रोनिक क्रिस्टल्स से कैसे पोलराइजेशन होते हैं लाइट्स का, ये पढ़ना है। बाय फ्रिंजेंस पढ़ना है, निकोल फ्रिज, रिटार्डेशन प्लेट्स, ये पढ़ने हैं। कौन से क्या क्या होते हैं रिटार्डेशन प्लेट्स, इसमें जो है कि हाफ वे प्लेट्स एंड क्वार्टर वे प्लेट्स आती हैं, ये पढ़ने हैं। एंड बेबिनेट्स कंपनसेटर, ये क्या होता है इसे पढ़ना है। एनालिसिस ऑफ पोलराइज लाइट, पोलराइज लाइट की एनालिसिस कैसे करेंगे, कैसे हम चेक करेंगे एक पार्टिकुलर पोलराइज लाइट जो है कि एक पार्टिकुलर टाइप का है। ऑप्टिकल रोटेशन में हमें पढ़ना है, फ्रेजनल्स एक्सप्लानेशन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन, फ्रेजनल्स ने ऑप्टिकल रोटेशन का क्या एक्सप्लानेशन दिया ये पढ़ना है। एंड हाफ सेट एंड बाई क्वार्ट्स पोलारीमीटर, हाफ सेट और बाई क्वार्ट्स पोलारीमीटर्स में क्या करना है इसमें पढ़ने। अब आते हैं देखते हैं यूनिट फोर। यूनिट फोर में हमें लेजर्स, लेजर्स के बारे में पढ़ना है। इसमें पढ़ना है करैक्टरिस्टिक्स एंड यूजेस ऑफ लेजर्स, लेजर्स की क्या करैक्टरिस्टिक्स है, क्या प्रॉपर्टी है और इसका यूज क्या है ये पढ़ना है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ स्पेशियल एंड टेम्पोरल कोहेरेंस, तो स्पेशियल और टेम्पोरल कोहेरेंस का क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना है। कंडीशंस फॉर लेजर एक्शन एंड आइंस्टीन्स कोफिशिएंट्स, लेजर एक्शंस की क्या कंडीशन होती है ये पढ़ना है और आइंस्टीन कोफिशिएंट क्या होता है इसको हमें पढ़ना है। नेक्स्ट इसी में है फोर्थ यूनिट में थ्री एंड फोर लेवल लेजर सिस्टम्स, थ्री और फोर लेवल के जो लेजर सिस्टम्स होते हैं उन्हें पढ़ना है और इनका जो है कि हम लोग पढ़ेंगे क्वालिटेटिव डिस्कशंस, इसका क्या होगा क्वालिटेटिव डिस्कशंस ही पढ़ने हैं। तो ये जो है कि पूरा होल सिलेबस है PHY 201 का, यानी थ्योरेटिकल पेपर जो थर्ड सेमेस्टर का है उसका ये पूरा होल सिलेबस है। अब आइए देख लेते हैं इस सिलेबस को कवर करने के लिए कौन कौन सी बुक हमें पढ़नी पड़ेंगी। तो यहाँ पर हैं कुछ रेफरेंस बुक्स, तो पहले हम लोग देखते हैं पार्ट ए के लिए कौन कौन सी रेफरेंस बुक है। तो यहाँ पर एक आप लोग देख सकते हैं डीजे ग्रिफिथ का एक ये है बुक इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ये आप ले सकते हैं। यहाँ पर पर्सेल का एक बुक है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ये देख सकते हैं। इसके बाद ये है फाइनमैन का फाइनमैन लेक्चर्स ऑन फिजिक्स वॉल्यूम टू, ये आप पढ़ सकते हैं। एक टायल की बुक इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ये आप देख सकते हैं कौन सा एडिशन है फोर्थ एडिशन, ये पढ़ सकते हैं। इसके बाद आते हैं पार्ट्स बी, इसके लिए कौन कौन से बुक्स हैं। पार्ट्स बी के लिए ये है एक बुक है वाइट की जो है कि फंडामेंटल्स ऑफ ऑप्टिक्स, ये देख सकते हैं फोर्थ एडिशन 2017 का है ये। दूसरा बुक ले सकते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ टू इंटरफेरोमेट्री, ये आप पढ़ सकते हैं। घटक की ऑप्टिक्स की आती है ये आप देख सकते हैं। और भी कई बुकें हैं जिसको आप हेल्प ले सकते हैं। तो ये सिलेबस का रेफरेंस बुक था। तो अब आते हैं नेक्स्ट पेपर में क्या पढ़ना होगा और कैसा कौन सा पेपर है। तो थर्ड सेमेस्टर का नेक्स्ट पेपर है प्रैक्टिकल पेपर, इसका कोर्स कोड है PHY 202 और इसका टाइटल है प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इसमें इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का डिमॉन्स्ट्रेटिव एस्पेक्ट्स पर डिस्कशन है, प्रैक्टिकल है ये बेस्ड, जिसकी पेपर का जो क्रेडिट है वो है 2। तो आइए अब देख लेते हैं कि इसमें लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट कौन कौन से हैं।
यहाँ पर हैं 10 एक्सपेरिमेंट्स जिन्हें हमें करने हैं। पहला एक्सपेरिमेंट है डिटरमाइन अननोन रेजिस्टेंस यूजिंग कैरी फास्टर ब्रिज। यहाँ पर कैरी फास्टर ब्रिज की हेल्प से हमें अननोन रेजिस्टेंस निकालना होगा, पहला एक्सपेरिमेंट है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है डिटरमिनेशन ऑफ हाई रेजिस्टेंस बाय मेथड ऑफ लीकेज। लीकेज मेथड से हाई रेजिस्टेंस को डिटरमिनेशन करना है, डिटरमाइन करना। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है रिडक्शन फैक्टर ऑफ हेल्महोल्ट्ज गैल्वेनोमीटर। हेल्महोल्ट्ज गैल्वेनोमीटर का रिडक्शन फैक्टर क्या होता है ये हमें इसमें पढ़ना है, निकालना है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ हेल्महोल्ट्ज कॉइल। हेल्महोल्ट्ज कॉइल्स के एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से वेरी करता है ये हमें इसमें पढ़ना है। नेक्स्ट जो है वेरिफिकेशन ऑफ चाइल्ड्स लॉ। तो चाइल्ड्स लॉ क्या होता है, उसको कैसे हम वेरीफाई करेंगे ये हमें इसमें देखना होगा एक्सपेरिमेंट में। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में ये है करेंट सेंसिटिविटी या फिर डेड बीट मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो डेड बीट मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की करेंट सेंसिटिविटी चेक करना है इसमें। नेक्स्ट में जो है इसमें है चार्ज सेंसिटिविटी ऑफ बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर बाय कैपेसिटी डिस्चार्ज मेथड्स ये है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में है कैलिब्रेशन ऑफ एनर्जी मीटर यूजिंग ए मीटर एंड वोल्ट मीटर। नेक्स्ट है टाइम कांस्टेंट यूजिंग चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। नेक्स्ट है अर्थ इंडक्टर, इसमें हमें करना है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ये 10 एक्सपेरिमेंट्स हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के डेमोंस्ट्रेटिव एस्पेक्ट्स पर बेस्ड एक्सपेरिमेंट्स हैं जिन्हें हमें थर्ड सेमेस्टर में परफॉर्म करने होते हैं।